देखो सर, ये अली जामिया में आया था ना क्वेश्चन, ये जामिया का एमबीए 2019 का क्वेश्चन है और इसपे तीन क्वेश्चन आए हुए हैं सेम। तो ये क्वेश्चन समझ लो, फिर दो का आंसर आप खुद देना, तो शायद आपको क्लियर हो जाए कि भाई हमारे पास क्या है। हमारे पास दो इक्वेशन है, 2x² - 7x + 6 = 0 एंड y² - 3y + 2 = 0। आप इनको सॉल्व करेंगे, एक्स वाई निकालेंगे। फिर आपसे पूछ रहा है कि इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं चार, कि भाई x = y है या इनमें कोई सा रिलेशन नहीं बन सकता, या x y से बड़ा है, या x y से छोटा और इक्वल है, या x y से बड़ा और इक्वल। ये हमारे पास है। अब मैं इसको कह रहा हूँ कि आप करोगे क्या। हमारे पास पहली इक्वेशन है 2x² - 7x + 6। तो इक्वेशन को सॉल्व करना अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो देख लीजिए। एक्चुअली क्या होता है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपने फैक्टराइज करना सीखा हो, फैक्टराइजेशन, एक तो फॉर्मूला लिख लो चलो, अगर नहीं भी आता तो सीधा सीधा फॉर्मूला सीख लो। फॉर्मूला क्या है बेटे, फॉर्मूला है हमारा कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। यहाँ से सीधा x का आंसर आता है, अब आपको शायद याद आ जाए, -b + √(b²) - 4ac/2a। बचपन में आप लोगों ने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला सीखा होगा कि x = -b + √(b²) - 4ac/2a। सीधा सीधा सा। तो a क्या होता है, a होता है जो x स्क्वायर के साथ हो, b क्या होता है जो x के साथ हो, और c क्या होता है जो कांस्टेंट नंबर हो। तो यहाँ पे a हमारा जो है, यहाँ पे जो a हमारा है वो 2 है और b हमारा -7 है और c हमारा 6 है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट x निकाल सकते हो, -b, तो b है -7 + √(b²) यानी कि -7² - 4ac, a 2 है, c 6 है, / 2a। तो ये हमारा आंसर। इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -7 + -7² = 49, 4 2 = 8, 6 8 = 48 / 2 = 4। तो आपके पास क्या आ गया, 7 + √(1) / 4। तो ये आपके पास आंसर है। इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है दो आंसर आने। तो इसमें एक बार प्लस लोगे, एक बार माइनस लोगे, तो 7 + 1 = 8, तो 8/4 एक ऑप्शन, और 7 - 1 = 6/4 दूसरा ऑप्शन। तो 8/4 आ गया 2 और 6/4 आ गया 3/2। ये बताओ सब बच्चों को समझ में आया क्या। हाँ भाई, कुछ समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये तो तरीका है बेटे फॉर्मूले से, दूसरा भी सीख लीजिए। हमारे पास क्या है, हमारे पास है 2x² - 7x + 6 = 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करते हैं। अगर आपको याद हो थोड़ा सा, तो 2 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं कि भाई 2 6 जा हो गया 12। अब 12 को ऐसे फैक्टर्स करो जिनका सम, अगर लास्ट वाला सम, लास्ट वाला साइन प्लस है तो प्लस हो गए, और अगर माइनस है तो माइनस हो गए। मिडिल टर्म है 7, 7 आना चाहिए। तो 12 को आप ब्रेक कर सकते हो 4 into 3, क्योंकि 4 + 3 = 7 होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x² -, ठीक है, 4 + 3x। हाँ भाई, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा अगर याद आ जाए आप लोगों को, तो 2x² - 4x - 3x + 6 = 0। अगर ये नहीं आता तो एक बात कराया जा सकता है कि बिग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज कैसे करते हैं, तो इसकी अलग से क्लास करी जा सकती है। तो यहाँ से हम 2x कॉमन ले लें, 2x कॉमन लेंगे तो x - 2 आएगा, 3 कॉमन लेंगे तो x - 2 आएगा। सो x - 2 and 2x - 3, तो x - 2 को 0 रखेंगे तो x = 2 आएगा,
टू एक्स माइनस थ्री को जीरो रखेंगे तो x इक्वल टू थ्री बाई टू आएगा। तो इस तरह से भी हम ऑप्शन रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास, तो अब जरा दोबारा से देखो कि हमारे पास क्या था। हमारे पास था एक इक्वेशन थी 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। यहां से हमारे पास x आया 2 और 3 बाय 2। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास थी y में, y में था हमारे पास y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको भी फॉर्मूले से अगर हम निकालें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो 9 माइनस 8 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस माइनस 1 अपॉन, तो 4 बाई 2 2 होता है और 2 बाई 2 1 होता है। तो इसका मतलब y के दो ऑप्शन आए, 2 एंड 1। तो मैं यहां आपसे कह रहा हूं कि या तो x और y इक्वल आया है, x इज इक्वल टू y, या जो 3 बाई 2 है यानी कि 2 इज इक्वल टू 2, या जो 3 बाई 2 है वो 1 से बड़ा है, 1.5 होता है। तो इसका मतलब ये, तो इन दोनों को मिलाओगे कि या तो x बड़ा है या इक्वल है y से, तो ये ऑप्शन, ठीक है जी। देखो एक क्वेश्चन और देखो जो इन्होंने भेजा था। हाँ भाई, हमारे पास क्या है, x स्क्वायर माइनस 7y प्लस 10, आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 7y प्लस 10 इज इक्वल्स टू जीरो। एक और इक्वेशन दी हुई है y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35, y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35 इज इक्वल्स टू जीरो। x स्क्वायर माइनस 7x, ठीक है। फिर इसमें ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, इसमें दे रहा है एक्स वाई वाई, ठीक है। ऑप्शन कह रहा है x इज मोर देन y, x इज लेस देन y, x इज मोर देन इक्वल्स टू y, x इज लेस देन इक्वल्स टू y। क्या सब बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर है, नजर आ रहा है? हाँ जी, कोई बच्चा x की वैल्यू बताओ जल्दी से सॉल्व करके, yes, क्या आ रही x की वैल्यू बताओ जल्दी से सॉल्व करके क्या आ रही है फॉर्मूले से या फैक्टराइजेशन से? 2 और 5, x की वैल्यू आ गई 2 और 5, वेरी गुड। x आ गया 2 एंड 5, ठीक है जी। और y की वैल्यू क्या आ रही है? सेवन और फाइव। तो अब आप खुद बताओ सोच के हुआ क्या, हुआ ये कि फाइव जो है फाइव के इक्वल है, ठीक है, लेकिन जो टू है वो सेवन से छोटा है ना भाई। तो एक जगह तो क्या हुआ है, एक जगह तो हुआ ये है कि एक्स वाई के इक्वल आया है, और दूसरी जगह क्या हुआ है कि एक्स वाई से छोटा आया है। तो अगर लेस और इक्वल को कंबाइन कर दूं तो कौन सा वाला ऑप्शन आएगा? अभी बी ऑप्शन, x इज लेस देन इक्वल्स टू y। इमरान चाचा को फोन करके मंगवा लीजिए।
अपना चाचा को फोन करके मंगवा देना। सर समझ में आ गया क्या? एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल सा। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत सिंपल सा, आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है x माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो एंड y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144। ये एक क्वेश्चन और दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में भी आपसे वही चारों ऑप्शन दिए हुए चारों ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? x जो है y से बड़ा है, x जो है y से छोटा है, x जो है y से मोर देन इक्वल्स टू है, x इज लेस देन इक्वल्स टू y। चलो बच्चे सारे सारे जल्दी से बताओ कौन सा होगा। कौन बच्चा बताएगा भाई क्या हो सकता है? सर ग्रेटर देन इक्वल टू y, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। हां जी और कोई बच्चा? सर ग्रेटर देन इक्वल टू। हाँ भाई बच्चा पार्टी बताओ और कोई बच्चा? x की वैल्यू कितनी आई है बताओ सारे बच्चे, ये बताओ x की वैल्यू कितनी आई है? वैल्यू x 12 आया बेटे यहाँ, क्योंकि x माइनस 12 का स्क्वायर वो फैक्टर ही दिया हुआ है। तो अगर दोनों अंडर रूट भी लेंगे तब भी कुछ नहीं हो रहा, बगैर कुछ सोचे समझे भी कर सकते थे, तो x की वैल्यू 12 आएगी। वैसे स्क्वायर है तो दो बार लिख सकते हो। y की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस 12 और माइनस 12 जी। y जो आएगा सर वो आएगा प्लस 12 एंड माइनस 12। तो इस केस में x या तो इक्वल हो रहा है या x क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है छोटा हो रहा है y से? ग्रेटर ग्रेटर देन। तो यहाँ पे c ऑप्शन आएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। जी बेटा जी समझ में आ गए क्या इक्वेशन के क्वेश्चन? चलो सब बच्चे फैक्टराइजेशन सीख लो, ठीक है, ये आपके काम आ जाए। सभी बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख लो, अच्छा अगर कहीं मिल जाए तो सॉल्व कर ले, ठीक है सर। देखो सबसे पहले तो होता क्या है, थोड़ा डिटेल में सीख लो। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो, ये मेरे पास होता है, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो, जो भी x स्क्वायर के साथ नंबर होता है कॉफिशियंट होता है उसे a कहते हैं, x के साथ जो होता है उसे b कहते हैं, जो कांस्टेंट होता है उसे c कहते हैं, ये मेरे पास होता है। तो यहाँ पे एक चीज होता है D होता है डिस्क्रिमिनेट, तो D की वैल्यू होती है D स्क्वायर माइनस 4AC, B स्क्वायर माइनस 4AC। अगर ये D हमारा ध्यान रखना मोर देन या इक्वल्स टू जीरो आता है तभी आपके पास रियल वैल्यूज हो सकती है जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, उसे रियल रूट्स बोलते हैं। और अगर डी हमारा नेगेटिव आ जाए, कभी कभी डी नेगेटिव आ जाए तो फिर इस इक्वेशन के रूट्स नहीं होंगे, कोई रियल नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, कुछ भी आप रख लीजिए जीरो नहीं आएगा। तो पहली चीज तो ये है, इसमें भी अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू को अलग अलग कर दें, D अगर पॉजिटिव है तो रूट्स जो हैं
वो रियल होते हैं और अलग अलग होते हैं, दोनों रूट अलग अलग आएंगे, जैसा अभी हम कर रहे थे एक प्लस में और एक माइनस में। और अगर डी इज इक्वल्स टू जीरो होता है फिर रूट्स हमारे रियल तो होते हैं लेकिन वो रूट्स इक्वल होते हैं, दोनों का मतलब समझ लीजिए। जैसे मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पे ए जो है वो वन है और बी जो है वो थ्री है और सी जो है वो टू है। तो अगर यहाँ हम डी निकालेंगे तो डी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो फोर बी स्क्वायर हो जाएगा थ्री का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो नाइन माइनस एट वन आएगा। तो अगर नाइन माइनस एट वन आएगा तो डी जो है हमारा पॉजिटिव आ गया मोर देन जीरो। तो हमारे पास रूट्स जो होंगे रियल रूट्स होंगे और दो होंगे डिस्टिंक्ट। अच्छा रूट्स क्या होते हैं, एक्स की वैल्यू होती है सीधा सीधा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए, जो हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लिख रहे थे फॉर्मूले में उसको हम सीधा सा शॉर्ट में डी लिख सकते हैं। तो अब आपका आंसर आ जाएगा, आपके पास इक्वेशन क्या थी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू और डी कितना आया है वन, तो आपका आंसर क्या आएगा बी की वैल्यू है आपके पास थ्री और डी आया है वन, तो वन का अंडर रूट भी वन अपॉन टू ए की वैल्यू भी। तो आपके पास क्या आएगा, एक बार आप प्लस करोगे माइनस थ्री प्लस वन अपॉन टू, एक बार आप माइनस करोगे माइनस थ्री माइनस वन अपॉन टू, तो माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू बाई टू और माइनस फोर बाई टू, ये आपके दो ऑप्शन आएंगे माइनस वन एंड माइनस। सब बच्चों को समझ में आया क्या थोड़ा बहुत? हाँ जी सर। सर आवाज आ रही है? हेलो आ रहा थोड़ा बहुत? देखो अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल्स टू जीरो, तो मैंने आपसे कहा है d जो होता है वो होता है b स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, और x जो होता है वो होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन टू ए। आप d लिखना सीख लो या d की जगह आप पूरी चीज लिख लो अंडर रूट b स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए इस तरह से। तो यहाँ अगर आप d निकालेंगे तो यहाँ d जो है वो है b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4 ए सी, तो 16 माइनस 16 जीरो। तो जब आपका d जीरो हो जाएगा तो फिर आपका आंसर माइनस b अपॉन 2 ए आएगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू हाँ भाई, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर डी अगर हमारा जीरो आ गया तो माइनस बी अपॉन टू ए, तो माइनस फोर बाई टू, तो माइनस फोर बाई टू माइनस टू,
तो इस तरह से आप चेक कर सकते, ठीक है जी। जरा मुझे बताओ अगर कोई बच्चा बता सके, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, बताओ इसके जीरोस क्या होंगे, एक्स की वैल्यू बताओ सब बच्चे क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ, कौन बताएगा, माइनस थ्री माइनस टू। वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। और कोई बच्चा? माइनस थ्री माइनस, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो सर देखो ये क्वेश्चन बताओ मुझे, ये बीए ऑनर्स के लिए सोशियोलॉजी ज्योग्राफी वाला जो पार्ट होता है साइकोलॉजी वाला 2019 जामिया का क्वेश्चन है, ये है लीनियर इक्वेशन का, हमने आपसे कहा था ना इक्वेशंस यूज होंगे, इस पे क्वेश्चंस नहीं है, तो इतना सही हो सकता है जितना यूज इन क्वेश्चंस में हुआ और इसमें हुआ, बताओ भाई